हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़गनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। और कुछ दिनों में ओडिशा का सबसे बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा आ रहा है, इसीलिए मैं आप सबके लिए 56 भोगों में से कुछ भोग का रेसिपी लेके आई हूँ। उसमें से मेरा आज का रेसिपी है मीठा डाली। चलिए देख लेती हूँ मीठा डाली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अरहर दाल, साबुत जीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक, गुड़, नमक, हल्दी पाउडर, हींग और घी। मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया। मैंने आज ये दाल को कुकर में बनाऊंगी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर में ये दाल मिट्टी का बर्तन में बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मतलब 125 ग्राम अरहर दाल लिया है। ये दाल को अच्छा से धो के फिर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखी थी। अभी कुकर में पहले सारे दाल डाल दिया, फिर 3 कप पानी डालना है। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम में 1 सीटी लगाना है। 1 सीटी लग गया। अभी मैंने गैस बंद कर दिया। सीटी लगने के बाद तुरंत कुकर का ढक्कन खोलिएगा नहीं। कुकर का प्रेशर जब खुद ब खुद निकल जाएगा तब खोलिएगा। दाल अच्छे से बॉईल हो गया। अभी इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और 1 से 1.5 टेबलस्पून गुड़ डाल के लो से मीडियम फ्लेम में ये दाल को 5 मिनट बॉईल करना है। पांच से सात मिनट मैंने दाल को अच्छे से बॉईल कर दिया। अभी इस दाल के लिए एक तड़का रेडी करना है। यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन ले लिया। अभी इसमें पहले 2 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डाल के थोड़ा सा मिक्स करके ये दाल का ऊपर डालूंगी। मैंने दाल थोड़ा सा पतला रखूंगी क्योंकि अरहर दाल ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और मिट्टी का बर्तन में डालने से दाल और भी गाढ़ा हो जाएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर में ये दाल डेली बनाया जाता है। मैंने अभी ये दाल को मिट्टी का बर्तन में डालूंगी। मंदिर में ऐसे बर्तन में भोग लगाया जाता है। ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बस रेडी हो गया पुरी का जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद मीठा डाली। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।